तो हम दीव के लिए निकल चुके हैं। दीव के पास है, टिकट पड़ा है जी दीव के लिए 140 रुपये का, 140 रुपये का सोमनाथ बस स्टैंड से दीव के लिए 140 का, और वो भी एसी बस। अगर आप नॉन एसी बस में जाते हो, एसी वाली बस में नहीं जाते हो, तो 110 रुपये का आपका टिकट पड़ जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप एसी वाले में जाते हो तो आपको 140 रुपये का टिकट है दोस्तों। आज आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, बहुत आराम से बुक हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं दीव बस स्टैंड से। दोस्तों हम सोमनाथ से चले थे और हमें एक घंटे में उतार दिया गया है दीव बस स्टैंड। दोस्तों इस तरह का देख सकते हैं बस स्टैंड है, और यहाँ से 5 किलोमीटर रह जाता है गंगेश्वर महादेव। दोस्तों आप यहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़कर गंगेश्वर महादेव जा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गंगेश्वर महादेव, देख सकते हैं सामने मेन गेट है गंगेश्वर महादेव का, और लिख भी रहा है गंगेश्वर महादेव। दोस्तों आपको ऑटो रिक्शा वाला यहीं पर छोड़ेंगे, वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर है केवल गंगेश्वर महादेव मंदिर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये गेट है गंगेश्वर महादेव, और देख सकते हैं कितनी इस टाइम ज़बरदस्त धूप है, और देख सकते हैं ये सामने अरब सागर दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत गंगेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, एक नंबर दोस्तों। सामने आपका अरब सागर देख सकते हैं कितना खूबसूरत दोस्तों। चलो चलते हैं आपको अंदर से दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको 5 शिवलिंग देखने को मिलेंगे जिनका साइज अलग अलग है। दोस्तों बताया जाता है ये पांडवों द्वारा बनाई गई शिवलिंग है। जी हाँ दोस्तों, जब पांडव अपने अज्ञातवास के लिए भटक रहे थे तो जब ये 5 शिवलिंग बनाई गई थी, इनका साइज अलग अलग दोस्तों। और साइज अलग अलग इसलिए है, देख सकते हैं सामने जो बड़ी वाली शिवलिंग है ये भीम को दर्शाती है, और बाकी जितनी भी शिवलिंग है वो और जो पांडव हैं उनको दर्शाते हैं दोस्तों। समंदर का जो लहरें आती हैं, बिल्कुल लहरें आती हैं और अभिषेक करके चली जाती हैं, लेकिन जब हम आए थे उस टाइम पर लहरें इतनी नहीं थी दोस्तों। देख सकते हैं आप सामने ये 5 हैं भोले बाबा की शिवलिंग दोस्तों, ये आपके दीप में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोमनाथ आ रहे हो दर्शन करने के लिए तो सोमनाथ से सीधी बस चलती हैं आपको दीव के लिए, और आराम से आप यहाँ मुश्किल से 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे, और पहुँचने के बाद में आप आराम से दर्शन कीजिए दोस्तों। देख सकते हैं सामने समुंदर है, ये देख सकते हैं इस समुंदर की जो लहरें हैं बहुत तेज़ तेज आती हैं, और तेज़ आने के कारण वो अभिषेक करती हैं दोस्तों। जब हम आए थे जब लहरें नहीं थी, समुंदर बिल्कुल शांत था, देख सकते हैं आप दोस्तों। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा देखने के लिए, केवल ये गंगेश्वर महादेव मंदिर है, और 1 या 2 बीच मिलेंगे आपको, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे पहले सोमनाथ जाइए और सोमनाथ पूरा दर्शन कर लीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन कीजिए, और जो सोमनाथ के आसपास में जितने भी स्थल हैं उन्हें घूमें, और उसके बाद में आप गंगेश्वर महादेव आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गंगेश्वर महादेव ज़्यादा दूर नहीं है, और थोड़ी सी दूर है, मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा बस से, और जो मेरा किराया था वो 150 या 51 रुपये थे दोस्तों। जब आप यहाँ पर आओगे दोस्तों तो आपको अलग ही एहसास होगा, यहाँ पर आने के लिए आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप कहीं नहीं मिल सकता दोस्तों। बहुत शांत जगह है दोस्तों ये, बहुत ही शांत जिसको कहते हैं। और आप जब वहाँ की समुद्र जो लहरें आती हैं, उस टाइम पर अगर लहरें आएंगी तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। लेकिन इस मंदिर की जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मानता, इसलिए आप यहाँ पर आइए, और जो भी आपकी इच्छा है वो अपनी मांग सकते हैं गंगेश्वर महादेव से दोस्तों। देख सकते हैं कितना प्यारा चारों तरफ समंदर ही समंदर है दोस्तों। मुझे 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर, और गर्मी इतनी है कि पूछो मत दोस्तों, क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई लेवल गर्मी है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों। और आप गलती से भी समंदर के पास बिल्कुल मत जाना, बहुत से लोग होते हैं जो जाते हैं और नहाने की कोशिश करते हैं, नहीं दोस्तों यहाँ पर कई बीच हैं, वहाँ पर आप चले जाइए और उन बीचों पर आप जाके आराम से इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी दारू की बोतल या कुछ भी गलत चीज़ यहाँ पर ना ले करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चेकिंग होती है। जैसे आप दीव बॉर्डर में बढ़ोगे तो आपकी पूरी चेकिंग होगी, इसलिए आप इन चीज़ों का भी गलती से भी ना लेकर आएँ दोस्तों। और जो आपका सामान है वो आप
सोमनाथ के, जैसे जहाँ आप सोमनाथ में रुके हो वहीं होटल में या हॉस्टल में अपना सामान दोस्तों। हर हर महादेव।